सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने, सीखने और समझने के लिए इस कक्षा में उपस्थित हो पा रहे हैं। आप सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएंगे, एक अनुकूल आसन में बैठेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों, बाह्य कर्मों को स्थगित करके रखेंगे और अपनी संपूर्ण आंतरिक वृत्तियों को केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें बौद्धिक सामर्थ्य दीजिए, आप हमें आत्मिक सामर्थ्य दीजिए, आप हमें शारीरिक सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि हम इस वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सरलता से और शीघ्रता से सीख पावें, समझ पावें, इस पर खूब चिंतन मनन कर पावें और इसे अपने व्यावहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावें। ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। जी आप कक्षा आरंभ कराइए। धन्यवाद मोहित जी, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में। हमारी यह पुस्तक का लगभग समापन ही होने की ओर है, मात्र 2 प्रकरण हमारे शेष हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। 6ठा प्रकरण हमारा पूरा हो गया था ना गौरव जी? जी आचार्य जी। तो आज हम 7वें प्रकरण को आरंभ करेंगे, अथ 7ठा प्रकरण। इति एष क्रमो वर्णानाम, ऐसा यहाँ पर हो गया है। यह पूर्व अर्थात पहले अकारादि वर्णों का क्रम कहके तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः, 6ठ प्रकरण के विषय में कौशिक ऋषि के ये श्लोक हैं, उनमें से आगे कुछ विशेष विषयक श्लोक लिखते हैं। क्या है देख, सर्वान्ते योग वाहत्वादादि वाहत्वाद विसर्गादि रिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते। कह रहे हैं, इनके अर्थ को देख लेते हैं तनिक। कह रहे हैं, बिना संयोग के प्राप्त होने से यहां सब वर्णमाला के अंत में विसर्ग आदि अष्टक, ठीक है, विसर्ग आदि अष्टक अर्थात, तो शब्दों को लेकर के संशय में ना
देखिएगा, आठ वहां पर आठ कहे थे ना, 22 स्वर कहे थे, 33 व्यंजन कहे थे और आठ बाद में थे ना, जिसमें से चार यम और चार और थे, आठ जो वो अयोगवाह थे, उनमें से चार का नाम अयोगवाह तो रहेगा ही और चार को जो विशेष रूप से यम कहा था, तो उन आठ की बात कर रहे हैं। सर्वान्ते सबके अंत में अयोगवाहत्वात्, ऐसा कौन कौन से हैं अयोगवाहत्वात्? विसर्ग आदि यह अष्टक। कौन कौन से अष्टक हैं? आठ कौन से हैं वो? तो ये है विसर्जनीय, अर्थात जिसको विसर्ग भी कहते हैं आप, और इसी विसर्ग के दो प्रकार के भेद हमें मिलते हैं, जिह्वामूलीय और उपध्वनीय, उसके पश्चात अनुस्वार और चार यम, इनको गिना जाता है और अलग इसकी प्राप्ति होती है, अर्थात इनकी जो प्राप्ति होती है वो अन्य सभी वर्णों से पृथक होती है। ऐसा इससे विसर्ग आदि अष्टक अयोगवाह कहता और वर्णमाला के, हाँ बस बस, वर्णों से अलग गिना जाता है, वर्णमाला के वर्णों से। एक आप लोगों के मन में शंका आई होगी, संभवतया जो जिसने बहुत अधिक बुद्धि से विचार किया होगा उनके मन में एक शंका आई होगी। जिस समय आप वर्णों के क्रम को पढ़ रहे थे, जहां पर कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं इत्यादि, तो वहां पर जब अयोगवाह की बात मैं कह रहा था, स्पष्टीकरण हम देख रहे थे, तो उस समय शायद आपके मन में ये शंका आनी चाहिए थी या आई होगी कि भाई इन अयोगवाह को भी हम क्यों माने कि ये भी हमारे वर्ण हैं, क्योंकि उन्हीं को मिला के तो वर्णास्त्री सृष्टि कहा ना भाई, उनसे पृथक यदि वो कह देते कि भाई ये आठ अयोगवाह पृथक हैं और इतने हमारे वर्ण हैं, लेकिन इनको मिलाकर के वर्णास्त्री सृष्टि ही ऐसा कहा था। ठीक, तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, अयोगवाह कहता और वर्णमाला के वर्णों से अलग गिना जाता है, वर्णमाला के वर्णों में इसको प्रायः नहीं गिना जाता, सामान्य रूप से इसको नहीं गिना जाएगा वर्णमाला के वर्णों। तो अब आपकी एक शंका का समाधान हो गया होगा, क्योंकि तो देखो व्यक्ति में उदारता होनी चाहिए, चाहे जितने बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन करता हो व्यक्ति, लेकिन उसमें उदारता होनी चाहिए, और ऋषियों में उदारता बड़े ऊंचे स्तर की होती है। तो क्या इसका समाधान है? वर्तमान समय में कई लोग जो जिसको आप हिंदी कहते हो, अपनी आर्य भाषा में हिंदी के जो वर्ण है, अक्षर है, उनकी कुल संख्या बताओ एक बार कितनी होती है? 55 हाँ, 55 भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ उसको 53 मानते हैं, कुछ 54 कहते हैं, कुछ 51 भी कहते हैं, और कुछ तो उसको 49 भी मानते हैं, अस्तु। लेकिन एक देखे मोटा मोटा तो 55 वो लोग मानते हैं, 55 और 8 63। यद्यपि वो क्ष श्र प्र ज इन संयुक्त वर्णों को मिलाकर के वो 55 अक्षर बनाते हैं, तो 55 और 8 63, तो उनके 55 की जो गणना है ना, जैसा उनका उनके अध्यापन अथवा अध्ययन में प्रयोग मिलता है, उसके आधार पर वो भी अपने स्थान पर ठीक है। ठीक है, अब उनका विरोध करने के लिए विरोध मत करना, ये एक उदारता का एक उदाहरण दे रहा हूं। देखो जैसा उनका क्षेत्र है, जैसे उनके क्षेत्र में चाहे अध्ययन कर रहे हो अथवा अध्यापन करा रहे हो, तो जितना उनका क्षेत्र है उनके क्षेत्र के अनुसार वो भी सही है। हाँ, जब वो तनिक इस विषय की और गंभीरता में जाना चाहे, तब उनको बड़े प्रेम से ये कहा जा सकता है कि आठ अयोग वहां मिलकर के कुल वर्णों की संख्या 63 हो जाती है। ठीक है, इस रूप में। अच्छा, एक और बात देखिए, एक प्रश्न आया था कि आचार्य जी
जैसे का अक्षर है तो इसमें ऊ लगाया, और ऊ लगाने से पूरे वर्ग का ग्रहण कैसे हो गया, उसका एक संक्षिप्त में एक आपको उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, वर्णमाला के व्यंजनों में, केवल व्यंजनों में कहा है, और व्यंजनों में अंतस्थ और ऊष्म भी तो आते हैं। यदि व्यंजनों की बात करें तो अंतस्थ और ऊष्म ये भी व्यंजन है, लेकिन देखिए स्पष्टीकरण ध्यान से पकड़ते हुए चलिएगा। किंतु वर्णमाला के व्यंजनों में एक अकार अनुबंध किया है, वह उच्चारण मात्र के लिए है, जिससे कि व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो सके। जैसे क, ड, ज, य, ग इत्यादि जितने भी व्यंजन हैं, उन सब के उच्चारण के लिए एक अकार, एक अवर्ण का क्या किया गया है, अनुबंध, अनु उपसर्ग पूर्वक जो बंधन शब्द सुना, बंधन यानी बांधना, तो उसके पीछे जोड़ना, व्यंजन के पीछे अकार को जोड़ दिया गया। अनुबंध का तात्पर्य यहां पर जोड़ दिया गया, मिला दिया गया, किस लिए, जिससे कि व्यंजन का उच्चारण स्पष्टता से और शुद्ध हो सके। इसलिए एक अकार का उत्तर मिला। अब उकार सुनिए कि वर्ग, किसी वर्ग को कहने के लिए उकार क्यों कहा। देखिए इसके आगे वाला देखेंगे तो ये उपद्मानीय आदि के चिन्ह है, ये जो कोष्ठ जैसे बने हो ना, कोष्ठ को उल्टा कर दिया इन्होंने। कपयो हो कपकार उच तद वर्गीयाश्रय प्लतः पलिकनी चख नतुर जग्मिर जग्नुरित्यत्र यद् वपुः नासिक्ये नोक्तम कादीनां ता इमे यमाः तेषा मुकार स्थान वर्गीय लक्षक तेषाम उकार स स्थान वर्गीय लक्षक। इसमें स्पष्ट करूंगा कि उकार क्यों, उकार से वर्ग का ग्रहण क्यों होता है, थोड़ा यहां पर इसमें देखेंगे। हमारे सातवें प्रकरण का ये अंतिम श्लोक ही है, बड़ा सरल है, कोई कठिनता नहीं है, बस इसको तनिक समझने की आवश्यकता है। लगभग लगभग ये सारा हमें स्वयं पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो ही जाता है। कुछ एक बातें हैं, कुछ शब्दों में तनिक क्लिष्टता रहती है, तो कुछ एक शब्द हैं बस जिनको हमें समझना होता है कि इन शब्दों का तात्पर्य क्या होना चाहिए। देखिए जिह्वा मूलीय, जैसे प्रत्येक वर्ण का अपना एक आकृति है, अपना एक साइन है, उसका सिंबल है, ऐसे ही जिह्वा मूलीय का एक साइन दिया है इन्होंने कोष्ठ को उल्टा करके। आप में से किसी आदरणीय का फोन अनम्यूट हो गया है, कृपया वो म्यूट कर लीजिए, और ध्यान रखिए अनावश्यक कारणों से अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। तो ये साइन है जिह्वा मूलीय, और ऐसे ही उपद्वानीय कभी इसी प्रकार से चिन्ह इन्होंने बनाए हैं, आकृति कह सकते हो। उपद्वानीय के साथ में जो ककार और पकार है वे तद्वर्गीयाश्रयत्व से है। ये तद्वर्गीयाश्रयत्व क्या है, तत्वर्गीय आश्रयत्व, उस वर्ग के आश्रय से। इसका अर्थ क्या होगा, तद वर्गीयाश्रयत्व श्रयत्व, तो इसका अर्थ परच्छेद करेंगे पहले, तत वर्गीय आश्रयत्व, उस वर्ग के आश्रय से है। ककार और पकार क्या है उसको पकड़िए, तो जैसे विसर्ग के पश्चात यदि क वर्ग आएगा
तो उसको क्या हो जाता है, जैसे बालकः क्रीडति, तो जब यहाँ पर जिह्वा मूल्य हो जाएगा तो जिह्वा यानी व्याकरण की दृष्टि से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकः क्रीडति धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा आप पढ़ते हैं। ऐसे ही वेद मंत्रों में जब किसी वेद पाठी को आप सुनेंगे तो आपको बड़े मधुरता से ये स्पष्ट हो जाएगा। तो जिह्वा मूल्य का बता रहा हूं पहले, बालकः क्रीडति ऐसा। तो इसमें ककार, जो ककार आया ना बालकः क्रीडति, अब इस ककार के यानी ककार किसमें है, कावर्ग में। अब कावर्ग का जो पूरे वर्ग के आश्रय के कारण से जिह्वा मूली अर्थात विसर्ग का तात्पर्य होता है अर्धहकार आधाह, लेकिन चूंकि विसर्ग के पश्चात ककार आ गया और ककार कवर्ग का वर्ण है तो वहां पर परिवर्तन क्या हो गया, क्रीडति था तो उसको क्या हो गया, ख, विसर्ग को अर्ध खकार आदेश हो गया, बाल कख क्रीडत। स्पष्ट है इतनी बात, उत्तर दो। बाल कह में ख का उच्चारण होगा आचार्य जी? हाँ, उसमें बाल कह मत कीजिए, बाल कह क्रीडति। यदि आप विसर्ग को पृथक उच्चारण करते हैं बाल कह, तब तो आपको क्रीडति ही करना पड़ेगा, बाल कह कह क्रीडति ऐसा नहीं करेंगे, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। या तो देखो दो प्रकार के उच्चारण आपको करने पड़ेंगे, यदि जिह्वा मूलीय और उपध्वनीय को समझाने की दृष्टि से ये भी कह रहे हैं, मैंने भी पहले स्पष्ट किया था, पुनः इसको दोहरा रहा हूं। यदि आप आठ अयोग वाह को समझना चाहते हैं तो उनको समझने के लिए आपको इन प्रयोगों को, इन अनुबंधों को तो समझना पड़ेगा ही, तभी आपको ये स्पष्ट हो सकता है, तभी आपकी इसमें गति हो सकती है कि हाँ हमारी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 63 है और ये सत्य है, अन्यथा आप इसको क्या मानेंगे, या तो कल्पना मानेंगे या उसको अनावश्यक मानेंगे। ऐसा उसमें गति आपकी तब होगी जब आपको उसके प्रयोग, उसके अनुबंध समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बालकः क्रीडति एक तो ये उच्चारण है, और व्याकरण की दृष्टि से यहां पर जिह्वा मूल्य हो जाएगा ये विसर्ग का, तो जिह्वा मूल्य के आधार पर क्या हो जाएगा, बालकः क्रीडति, बाल कह क्रीडति। मोहित जी एक बार लिख करके दिखा दीजिए, बाल कह क्रीडति, एक साथ ही जोड़कर लिख दीजिए। देखिए मोहित जी आपको लिख करके दिखा रहे हैं, खकार आधा हो जाएगा, मोहित जी खकार आधा हो जाएगा, क्रीडति में जो इकार है वो दीर्घ आएगा, क्रीडति मेरे उच्चारण से भी स्पष्ट है। देखिए आपको मोहित जी ने लिख करके दिखा दिया, इसमें विसर्ग लगाइए बालक के बाद, हाँ ऐसे आपको लिखा मिलता है। अब इसको बालक क्रीडति भी लिख दीजिए नीचे, इसी के नीचे मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है बालक खेलता है, बालकः क्रीडति, बालकः बालकः, हाँ ककार और आधा खकार, क्रीडति को ऐसे कैसे लिख दीजिए। हाँ मोहित जी ने आपको लिख करके लिखा, थोड़ा सा डाउन कीजिए, ऊपर चढ़ गया वो ज्यादा ही, बस ठीक है, बालकः क्रीडति ऐसा शब्द मिलता है आपको, इसका अर्थ होता है बालक खेलता है। यदि ऊपर देखेंगे तो ये संस्कृत का सामान्य प्रयोग है, ठीक है। जब आप इसी को किसी वेद में जाकर के देखेंगे तो आपको वहां पर कैसा मिलेगा, बालकः क्रीडति,
छंदों की रचना के पीछे के विज्ञान को जब कभी ईश कृपा से आपने किसी वेद मंत्र का निर्माण से मंत्र का निर्माण कैसे हुआ, यदि कभी आपका चिंतन उस ओर किंचित मात्र भी चला गया ना, आपको बड़ा आनंद आएगा और आह्लादित आनंद आएगा। बस इतना कहूंगा। तो वेद मंत्रों में आपको बालक, मान लीजिए वेद मंत्रों में ये पद मिले हमें, बालक क्रीडति, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा ऊपर वाला, नीचे वाला मिलेगा, बालक क्रीडति। मोहित जी अपनी स्क्रीन पर ले आइए। ये आपका जिह्वा मूल्य का उदाहरण था। आगे देखिए, उपधमानीय, तो पहला जो कहा था ना, इनके साथ में जो ककार, तो ककार लेंगे जिह्वा मूल्य के साथ में, और फिर कवर्ग ले लिया जाएगा जिह्वा मूल्य के साथ, और जो उपधमानीय इसके साथ पकार लेंगे, तो पकार अर्थात कवर्ग। हाँ गुरु जी, हैंडल करने कोई प्रश्न है क्या? आचार्य जी, जो उदाहरण था वो दोनों क्या बोलते हैं, जीवा मूल्य का है। हाँ बेटा, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, ऐसा इसका शुद्ध उच्चारण तो ये होना चाहिए, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य। हाँ शाबाश। तो ये दोनों उदाहरण जिह्वा मूल्य को स्पष्ट करने के लिए थे कि जिह्वा मूल्य होता क्या है। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अच्छा ये जिह्वा मूल्य है क्या, ये जो इन्होंने, जैसे हम कोष्ट बंद करते हैं तो कोष्ट बंद करने वाले जो आकृति होती है, जो चिन्ह है, उनको इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, एक को ऊपर की तरफ कर दिया, एक को नीचे की तरफ कर दिया, तो क्या यही जिह्वा मूल्य के चिन्ह है? और चलो यदि ये मान भी ले तो ये काम क्या करता है, तो वो जो काम क्या करता है उसका समाधान आपको बालक क्रीडति इसमें दिया। जैसे एक और देता हूं, बालक खादति, तो क्या हो जाएगा, बालक खादति, विसर्ग का क्या हो गया, खकार। जैसे बालक गच्छति, तो क्या हो जाएगा, बालक गच्छति। ठीक है जी, इस प्रकार से। अब उपध्वनीय को भी देख लीजिए, पहले पढ़ा चुका हूं, इसकी पुनरावृत्ति इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये अंतिम इसका स्पष्टीकरण है। इनके आधार पर मैंने तो पहले ही प्रयास किया था, यदि आपको स्पष्ट हुआ था तो, लेकिन इनकी ओर से भी अंतिम स्पष्टीकरण है इनको लेकर। तो पकार में देख, उपध्वनीय में देखे, बालक पठती, बिल्कुल वही है, बस उसमें कवर्ग का अक्षर ले रहे थे हम, जैसे क्रीडति में ककार, खादति में खकार, गच्छति में गकार इत्यादि। उपध्वनी में हम क्या लेंगे, जैसे बालक पठति, वृक्ष फलति इत्यादि। तो देखो, जैसे बालक पठति ये है, तो उपध्वनीय क्या हो जाएगा विसर्ग का, बालक पठति, बालक पठति, जैसे धियो यो न प्रचोदयात, इस प्रकार से। ये मंत्र तो आपने सुना होगा ना, यदि इसका घन पाठ भी सुन लेंगे ना कभी, गायत्री मंत्र का घन पाठ YouTube पर जाकर सर्च करेंगे ना, कभी भी सुन करके देखिएगा, आपको बड़ी स्पष्टता से ये बातें पकड़ में आ जाएंगी। धियो यो नः प्रचोदयात, ऐसा वो करते कई कई बार करते हैं इत्यादि। तद्वर्गीय आश्रयत्व, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे चलिए, अर्थात उनका कावर्ग और पावर्ग के परे विधान है, किनका, वो जो तद्वर्गीय उस वर्ग के आश्रय से जो वर्ण है उनका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कावर्ग के और पावर्ग के परे। किसके कावर्ग के, कावर्ग के परे और पावर्ग के परे किसका विधान है, तो देखो जिह्वा मूल्य का और उपध्वनीय का। और स्पष्टीकरण देखिए, इससे उनके साथ में ककार और पकार है, पलिकनी आदि प्रयोगों में जो कख ग घ
इति अकारक अंश नासिका स्थानीय ना न म न, ये जो हलंत अक्षर दे रखे ना, हलंत नकार दो बार दे रखा है, फिर एक हलंत मकार, फिर हलंत नकार, वर्णों से अप्रकटित अर्थात गृहीत नहीं होता है, वह अयम अर्थात यम नहीं। भूमिका में इन्होंने बताया था ना, पलिकनी चखनतुर जग्मी जग्नु, तो उसको यहां पर ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पलिकनी आदि जो प्रयोग उन्होंने लेकर के और उनको यम माना था, तो वो यम नहीं है। क्यों नहीं है उसका स्पष्टीकरण इन्होंने यहां दिया। वहां तो तर्क उठाया था ऋषि ने कि यदि इनको यम मानते तो अन्यों को भी यम क्यों नहीं, चुन चुन झुन झुन इत्यादि को यम क्यों नहीं मानते। तो यहां पर ये समाधान दे रहे हैं, क्या है कि वे नासिका स्थानीय वर्णों से गृहित नहीं होते हैं, इसलिए वो यम नहीं कहते। कौन? पलिकनी, जैसे इसमें दो ककार है, तो इन दो पलिकनी जो शब्द है इसमें दो ककार हैं, तो इसमें से एक ककार को कुछ बुद्धिमान या कुछ विचारवान लोग उसको यम मान करके 63 संख्या पूरी किया करते हैं। तो उसका स्पष्टीकरण जो महर्षि कौशिक थे उनके श्लोकों के आधार पर ये कर रहे हैं। और ककारादि वर्णों का जो या वर्णों में जो उकार आता है वह सस्थानीय वर्ण, जैसे स्थान सहित, जैसे सपरिवार, तो ऐसे यहां पर क्या है, संस्थानीय, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको, सस्थानीय संस्थानीय ऐसा वर्ण अर्थात उन वर्गों के सजातीय वर्णों का लक्षक है। सजातीय और विजातीय समझते हैं मोहित जी? सजातीय और विजातीय स्पष्ट है आपको? आप में से किसी को स्पष्ट है? यदि किसी को स्पष्ट है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए, फिर हम बताते हैं। भाई नहीं है उत्तर तो दिया करो। ठीक है, हम बताते हैं। देखो, सजातीय समान जाति वाले, विजातीय विपरीत जाति वाले, बस इतना ही तो है। जैसे जल में रहने वाले, जल में रहने वाली मछली, जल में रहने वाले अन्य जीवों की सजातीय है, और जल में रहने वाली मछली, भूमि पर रहने वाले जो भी प्राणी है उनके लिए विजातीय है। ये तो है सजातीय और विजातीय, विपरीत जाति और समान जाति सजातीय। इनमें प्रत्येक वर्ण के उकार के संयोग से वर्ग मात्र का बोध होता है, तो उकार से उस वर्ग का बोध होता है। कारण यानी हेतु क्या है? सजातीय होने से, स्थान की दृष्टि से देख लीजिए, ककार खकार गकार घकार और गकार, यानी प्रथम चार वर्णों को देखें तो स्थान आदि की दृष्टि से बिल्कुल समान है, और ये जो पंचम वर्ण है ये भी है तो समान, लेकिन ये नासिका स्थानीय, बस इतना अंतर है। तो इसलिए इनको सजातीय होने के कारण से उकार कहने से इनके पूरे वर्ग का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, चलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।